Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss the MCQs of Unit 3 Digital Documentation of Class 9, IT 402. और आज हम डिस्कस करेंगे NCERT की बुक के सारे MCQs of this chapter. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is not a component of the office suite? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो ओपन ऑफिस के सूट में नहीं आता है? राइटर, इम्प्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर या बेस? तो इसमें से स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिकॉज ये हमारा होता है एक वेब ब्राउज़र एंड इसका नेम हम हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज. राइटर MS वर्ड के जैसा होता है, इम्प्रेस में आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और बेस के अंदर आप टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं. तो ये हमारे ओपन ऑफिस के सूट में आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द लेट 1970 वाज. बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो 1970 में यूज़ किया गया था, दैट वाज वर्ड परफेक्ट, वर्ड, वर्ड स्टार और राइटर. राइटर और MS वर्ड हम आज भी यूज़ करते हैं. 1970 में जो यूज़ किया गया था, दैट वाज वर्ड स्टार. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वी कैन चेंज द मिस्टेक्स नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक होती हैं, वो एक पर्टिकुलर कलर से या लाइन से हाईलाइट हो जाती है, तो वो हम किसके अंदर देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, सिंपल टाइपराइटर या बोथ ए एंड बी. तो जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर देख पाते हैं. जैसे कि यहाँ हमारे पास है ओपन ऑफिस राइटर, और यहाँ पर अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं जिसकी अगर हम रॉन्ग स्पेलिंग लिखें, हमने हेलो की स्पेलिंग को लिख दिया HILLO, एंड व्हेन यू प्रेस द स्पेस बार की आफ्टर दैट, आप यहाँ देखेंगे कि इसके नीचे एक रेड कलर की वेवी लाइन आ रही है. तो इसका मतलब क्या है? ये हमें मिस्टेक्स को शो कर रहा है. तो ये हम किसके अंदर कर पाते हैं? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में. टाइपराइटर में ये चीज़ हमें नहीं शो होती. नेक्स्ट इज, हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज. हेडर एंड फुटर, दैट इज़ जिसकी हेल्प से, इन ऑप्शंस की हेल्प से हम रिपीटेटिव टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द पेज एंड द बॉटम ऑफ द पेज रिस्पेक्टिवली. तो ये हमारा कौन से मेन्यू में होता है? तो हम जाते हैं ओपन ऑफिस राइटर पे. यहाँ पे देखिए, इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन है हेडर और है फुटर. तो ये हमारा कौन सा मेन्यू हुआ स्टूडेंट्स? इंसर्ट मेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, टू हाइड और व्यू द रूलर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज. रूलर यानी कि स्केल, उसे हाइड करने के लिए या फिर देखने के लिए हम कौन से मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं? टूल्स मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और एडिट मेन्यू. सो यू कैन सी हियर, दिस इज ऑप्शन इज अवेलेबल इन द व्यू मेन्यू. व्यू मेन्यू में देखिए, रूलर ऑप्शन पे आपका यहाँ पे अभी टिक मार्क है, इसलिए आपको ये रूलर यहाँ पे दिख रहा है. जैसे ही हम इसे अनटिक करेंगे, तो यहाँ से ये रूलर जो है वो रिमूव हो जाएगा. क्लिक ऑन दिस अगेन, अब देखिए रूलर नहीं दिख रहा. वापस आपको देखना है, व्यू में जाइए, रूलर पे टिक करिए, ये आपको वापस दिखेगा. सो द करेक्ट आंसर इज व्यू मेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज. अगर आपको ग्रामर चेक करनी है, तो आप कौन से मेन्यू पे जाएंगे? टूल्स, इंसर्ट, व्यू और एडिट. सो इन ऑर्डर टू चेक द ग्रामर, हमारे पास होता है स्टूडेंट्स टूल्स मेन्यू. इसके अंदर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, जिसकी आपकी शॉर्टकट की होती है F7. देखिए यहाँ पे हमने हेलो की स्पेलिंग को HILLO लिखा था, तो ये आपका कैसे हो रहा है? दिस इज मेकिंग यूज ऑफ दिस ऑप्शन, दैट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर. यहाँ से आपका नॉट इन डिक्शनरी आ रहा है, इग्नोर करना चाहें तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द टूल्स मेन्यू, दैट इज द स्पेलिंग एंड ग्रामर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रिप्लेस अ वर्ड बॉम्बे विद मुंबई. एक वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है बॉम्बे, आपको उसे मुंबई से रिप्लेस करना है, तो आप कौन से मेन्यू में जाके करेंगे? तो ये वर्ड पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू में होता है? टूल्स, एडिट, व्यू, लैंग्वेज. लेट अस सी हियर, दिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज इन द एडिट मेन्यू स्टूडेंट्स. फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ पे सपोज हमने लिख लिया बॉम्बे. अब हम जाते हैं एडिट पे, हमने यहाँ से किया फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड हमने करना है बॉम्बे, रिप्लेस किससे करना है? मुंबई से. तो हमने कर दिया रिप्लेस, यस, यहाँ से कर दीजिए रिप्लेस. तो ये वर्ड आपका मुंबई से रिप्लेस हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्लोज एंड ओपन डॉक्यूमेंट, तो ये आप हमारा कौन सा मेन्यू हुआ स्टूडेंट्स, एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्लोज एंड ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू, किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप कौन से मेन्यू पे जाएंगे, फाइल, इंसर्ट, व्यू, एडिट। सो इन दिस केस हमारे पास है फाइल मेन्यू, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं है तो आपसे पूछेगा आप सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव बटन पे क्लिक करके उसे सेव कर देंगे, अदरवाइज़ आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट, मेन पेज जो है उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज करना हो तो हम कहाँ से करते हैं, फाइल मेन्यू में क्लोज ऑप्शन से, दिस ऑप्शन, दिस वन। सो द करेक्ट आंसर इज विच मेन्यू, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल, राइटर के अंदर जो भी फाइल्स आप सेव करते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .obt, .doc, .odt या .docx। अब देखिए ये हमारी फ़ाइल है, हमने इसमें कुछ भी लिखा, अगर हम इसे सेव करते हैं तो सेव करने के बाद हमें इसका नाम देना होता है। सपोज़ हमने इसका नेम दे दिया S1, कुछ और दे देते हैं S6, ये दे दिया। अब यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन देखिए क्या आ रही है, .odt। तो एक्सटेंशन ऑफ द फाइल्स ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर इज .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स सेलेक्ट्स अ सेंटेंस इन द राइटर, इनमें से कौन सी टेक्निक की हेल्प से आप राइटर के अंदर एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर पाते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वर्ड है, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, लेट अस चेंज द साइज फर्स्ट, एंड हमने यहाँ पे लिखा दिस इज IT क्लास। अब हमें ये सेंटेंस अगर सेलेक्ट करना है, अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ तो कर्सर आता है, अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो सिर्फ ये वर्ड सेलेक्ट होता है जहाँ पे हम करते हैं। पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें करना होता है ट्रिपल क्लिक, 1, 2, 3। सो दिस इज़ द ट्रिपल क्लिक। सो फॉर सेलेक्टिंग अ सेंटेंस वी हैव टू डू ट्रिपल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रीडू एनी ऑपरेशन, रीडू मीन्स टू कैंसिल द एक्शन ऑफ अनडू। अब अगर आप एडिट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अनडू और रीडू का ऑप्शन है, अनडू इज कंट्रोल प्लस Z एंड रीडू इज कंट्रोल, दिस वॉज कांट रीस्टोर, ये है आपका कंट्रोल प्लस Y। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है, अगर हम किसे करें कंट्रोल Z, दैट इज अनडू। अब देखिए ये रीडू ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया, दैट इज कंट्रोल प्लस Y। वापस से कंट्रोल Z करते हैं, अब हमने किया कंट्रोल प्लस, कंट्रोल Z किया, फिर हमने किया कंट्रोल प्लस Y। तो कंट्रोल Z करने पे आपका क्लास हट गया और कंट्रोल Y करने पे वो वापस आ गया। सो द शॉर्टकट फॉर द रीडू इज कंट्रोल प्लस Y। सो विल मार्क द आंसर हियर। नेक्स्ट इज टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट वी शुड यूज विच फंक्शन की, डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शन की को यूज़ करेंगे, दैट इज F5 की। दिस इज माई ओपन ऑफिस राइटर, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट क्लास। सो यहाँ पे वी हैव द शॉर्टकट की, दैट इज F5, ठीक है। बट ओपन ऑफिस राइटर के अंदर स्टूडेंट्स ये जो की है ये नेविगेटर का काम करती है, जिससे आप किसी भी पेज पे जंप कर सकते हैं। अगर हम इसे लाइबर ऑफिस राइटर में करें, यहाँ पे सपोज हमने लिखा क्लास और हमने कहा विंडोज F5,
क्वेश्चन नंबर 12 इज टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की. एक डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी फंक्शन की को यूज करेंगे. हमारे पास ऑप्शंस हैं F5, F8, F1 की और नन ऑफ द अबव. हम यहाँ पे आते हैं और अब हम यूज़ करते हैं, सपोज हमने क्लास नाम के वर्ड को फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से F8 फंक्शन की को प्रेस करके देखते हैं. जब हमने यहाँ से F8 फंक्शन की को प्रेस किया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या काम कर रहा है बेसिकली, कोई ये डायलॉग बॉक्स ओपन करके हमें नहीं दिखा रहा. इसके बाद हम प्रेस करते हैं विंडोज़ F5. लैपटॉप के अंदर अगर आप ये काम करते हैं तो आपको विंडोज़ के साथ फंक्शन की को प्रेस करना होता है. तो F5 से देखिए हम किसी पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं, 1 है 2 है 3 आप किसी पे भी जा सकते हैं. फिर इसके बाद आपके बुक्स में जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज़ F1 की, हम उसे भी यूज़ करके देख लेते हैं. हमने यहाँ से F1 की को प्रेस किया, कुछ भी वर्क इसमें नहीं हो रहा. तो स्टूडेंट्स इसमें से हमारी कोई भी फंक्शन की ऐसी नहीं है जिसे हम किसी भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकें. और किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एफ़. तो जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की को ओपन करेंगे तो ये सेम वही बॉक्स ओपन हो गया जो एडिट मेन्यू में से हमने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से लिया था. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एडिट मेन्यू में आपके पास ये जो फाइंड एंड रिप्लेस है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस एफ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी आंसर जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. सो माय आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्पेलिंग्स आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन राइटर बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर. यानी कि ओपन ऑफिस राइटर में हम स्पेलिंग्स को किस फीचर से करेक्ट कर पाते हैं. द ऑप्शंस आर ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट और ऑल ऑफ द अबव. तो इसके लिए हम चलते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर पे. सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी बुक. अब ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इसके लिए नीचे अंडरलाइन रेड कलर की वेवी लाइन आ रही है. हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ये स्पेलिंग लिखें तो उसके प्लेस में हमारी करेक्ट स्पेलिंग आ जाए BOOK. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी फीचर होती है ऑटो करेक्ट. टूल्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन. तो आपको किसको किस वर्ड से रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है बुक को BUK बुक को BOOK से. और फिर आपने क्लिक कर देना है यहाँ से न्यू बटन को. न्यू बटन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद दिस डायलॉग बॉक्स विल क्लोज एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके. नाउ इफ़ यू राइट डाउन BUK बुक तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया BOOK. तो आप अपने कंटेंट में जब भी BUK लिखेंगे वो उसे रिप्लेस हो जाएगा. तो ये हमने कहाँ से किया, टूल्स और ऑटो करेक्ट ऑप्शन. ये हमारा फीचर क्या है स्टूडेंट्स, ऑटो करेक्ट. ओके, 14 is the default table size is 1 column 1 row, 2 columns 1 row, 2 columns 2 rows or 1 column 2 rows. So by default जो हमारे table का size होता है student वो क्या होता है, 1 column और 1 row. यानी कि एक कॉलम और एक रो, इट मीन्स हमारे पास एक सेल है. ठीक है, तो वो टेबल का हमारा साइज है बाई डिफॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल. जब भी हम टेबल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे माउस पॉइंटर की शेप कैसी होती है. देखिए स्टूडेंट्स ओपन ऑफिस राइटर में जब भी आप कोई टेबल लेते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन लेते हैं और इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं या माउस को होवर कर लेते हैं कि कितने आपको रोज़ और टेबल लेनी है. ये डायरेक्टली आ जाता है. लेकिन जब आप माउस को ड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वो कैसे बन जाता है, वो ब्लैक कलर के प्लस साइन में चेंज हो जाता है. ठीक है, वो होता है आपका ड्रॉइंग अ टेबल. और ये ऑप्शन हमारा आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं है. So that is why it will become like in the black plus sign. इसमें भी चेक कर लेते हैं, दिस इज़ माई लाइब्रेरी ऑफिस राइटर. इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट आ गया. MS जो आपका वर्ड होता है उसमें होता है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन. तो जब आप उसे माउस के लेफ्ट बटन से मूव करके नीचे लाते हैं तो उसमें आपका वो ब्लैक प्लस साइन में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्लैक प्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग. अगर आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करनी है तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे. शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस इंसर्ट या टैब प्लस इंसर्ट. तो यहाँ देखिए आपका एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग. ओके, इट इज F7 इन द ओपन ऑफिस राइटर एंड यहाँ पे आपका है ऑटो स्पेल चेक. यू कैन सी हियर दिस ऑप्शन इज ऑटो स्पेल चेक.
यहाँ पे इसकी शॉर्टकट ये नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम लाइबर ऑफिस राइटर में जाएं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, और इसकी शॉर्टकट की दी हुई है शिफ्ट प्लस F7। सो माय करेक्ट आंसर विल बी शिफ्ट प्लस F7। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, आपने कुछ भी स्पेलिंग लिखी, हमने क्लास की स्पेलिंग को ये लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से टूल्स पे जाएंगे, आपने ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पे क्लिक किया, तो ये जो रेड लाइंस हैं ऑटोमेटिकली उसको चेक करके आपको दिखा रहा है, रेड लाइन थी वो हट चुकी है लाइक दिस। दोबारा से करेंगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए वो ऑप्शन आपका क्लोज था, तो वापस से आप जब शिफ्ट प्लस F7 की को प्रेस करेंगे, या सपोज हम इसको यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, शिफ्ट F7, हमने इसे ऑफ कर दिया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं। अब हम अगर कोई भी वर्ड रॉन्ग लिखते हैं, जैसे मैंने लाइफ की स्पेलिंग को लिख दिया लाइट, तो ये आपको रेड लाइन बेबी लाइन से दिखा रहा है, इट मीन्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग जो है वो ऑप्शन जो है वो ऑन है, ठीक है। देन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल को आप कौन सी शॉर्टकट की से इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टकट की देखिए कौन सी होती है, ये हमारा टेबल का आइकन है, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की आ रही है कंट्रोल प्लस F12। एक ऑप्शन है हम स्टैंडर्ड टूल बार से कर लें, और डायरेक्टली अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल और F12 शॉर्टकट की। तो जैसे ही हमने ये किया कीबोर्ड से, ये हमसे टेबल का नेम पूछेगा, कॉलम और रोज पूछेगा, आपको कितने लेने हैं आप स्पेसिफाई करेंगे, और लास्ट में आप क्लिक कर देंगे ओके पे। तो यहाँ पे हम कर्सर को थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, और फिर हम टेबल को फॉर्म करके रखते हैं। यहाँ से हम गए, हमने किया कंट्रोल प्लस F12, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, टेबल का नाम आ गया, कॉलम्स ले लिए 4, रोज ले ली 2। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स और 2 रोज का आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इधर शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन इन मेल मर्ज। मेल मर्ज जब आप करते हैं तो उसमें जो डेटा सोर्स क्या होता है, ऐसा टेबल जिसके अंदर लिस्ट होती है, हमारे पास एड्रेस होता है, नेम होता है, सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, तो वो किस तरह की फाइल नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जब हमने मेल मर्ज का टॉपिक किया था, तो उसमें जब भी हम एड्रेस लिस्ट को सेव कर रहे थे तो वो हमारी CSV फाइल की फॉर्म में आ रही थी, ठीक है। वो स्प्रेडशीट भी हो सकती है, एक टेबल MS Excel की भी हो सकती है, OpenOffice Calc की भी हो सकती है, या फिर वो एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, लेकिन MySQL जो है वो एक मेल मर्ज का डेटा सोर्स नहीं हो सकता। MySQL इज द नेम ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह की हमारी फाइल्स नहीं हो सकती, दैट इज वाई दिस विल बी माई करेक्ट आंसर, ओके। आफ्टर दैट आई हैव क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इन राइटर इज, राइटर के अंदर किसी पेज की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसी होती है। जैसे कि अगर ये मेरा पेज है तो बाय डिफॉल्ट ये किस फॉर्म में है, ये हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म में है। इसे आप ओरिएंटेशन फॉर्म में भी देख सकते हैं, फॉर्मेट में गए, पेज में गए, पेज के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर, पेज। अब पेज की यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, अगर आप इसे लैंडस्केप करेंगे तो पेज आपको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो ओरिएंटेशन होती है, और बाय डिफॉल्ट होती है हमारी पोर्ट्रेट, जिसमें आपकी लेंथ साइड में होती है और आपकी विड्थ जो है वो टॉप और बॉटम में होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पेज फॉर्मेटिंग, इनमें से क्या चीज़ पेज फॉर्मेटिंग के अंडर नहीं आती। सेटिंग मार्जिन्स, फाइंड एंड रिप्लेस, सेटिंग हेडर एंड फुटर, या पेज ओरिएंटेशन। तो आप देखेंगे मार्जिन्स भी पेज से रिलेटेड हैं, हेडर एंड फुटर भी पेज से रिलेटेड है, और पेज ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वो भी आपका पेज से ही रिलेटेड है। क्या नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस हम किस पे करते हैं, वर्ड्स या कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये है फॉर्मेट मेन्यू, इसके अंदर अगर हम पेज के अंदर जाते हैं ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं इसमें कहीं पे भी किसी भी टैब में हमारा ऑप्शन इसका नहीं है, विच वी हैव टिक मार्क एज द करेक्ट वन, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। ये हमारा एडिट मेन्यू में होता है कैरेक्टर के लिए। नेक्स्ट इज सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन। हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल सेव्ड है, हमने उसी फाइल को दोबारा से सेव किया सेव एज ऑप्शन से, बट अब किसी और नेम से, तो उससे क्या होगा, क्या हमारी जो करंट डॉक्यूमेंट हमने बनाई है वो रिप्लेस हो जाएगी नए नेम से, या फिर हमारी करंट डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। तो जब आप सेव एज ऑप्शन को करते हैं तो आपने पहले जब फाइल को सेव किया था वो फाइल भी एज इट इज़ रहेगी और नई वाली फाइल भी एज इट इज़ रहेगी। सो द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लीव्स दैट करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट।
नेक्स्ट इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में चेंज करना, वो कौन से शॉर्टकट की का काम है। जैसे यहाँ पे हमने अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, अब मुझे ये इटैलिक्स में चाहिए, हमने इसे सेलेक्ट किया, तो हम या तो यहाँ से डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इटैलिक। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस आई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप H2O टू गेट टू एट इट्स प्रॉपर प्लेस। आपको यहाँ पे H2O टाइप करना है, आपके पास ऑप्शन है बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट्स H2O। अब ये टू मुझे H और O के बेस लाइन से नीचे चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, आपने जाना है कैरेक्टर के ऊपर क्योंकि ये चेंजेस कैरेक्टर के हैं, आपने जाना है पोजीशन में कि कैरेक्टर की पोजीशन क्या रहे, और इसको हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट यानी कि हमें नीचे चाहिए। देखिए बेस लाइन से नीचे हो गया, क्लिक ऑन ओके। तो ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, और अगर बेस लाइन से ऊपर करना हो तो आपका ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। कौन से मेन्यू में है ये ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू में जाके कैरेक्टर ऑप्शन। सो दिस वुड बी माई करेक्ट आंसर, दैट इज द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज द वर्ड बुक्स टू द वर्ड कॉपीज इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड है बुक्स, उसको हमें चेंज करना है कॉपीज वर्ड में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए ये वर्ड है बुक्स यहाँ पे, तो पहले हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करेंगे बुक्स और रिप्लेस करेंगे हम इसे कॉपीज से। तो हमने ये चीज़ कर दी, हमने कह दिया रिप्लेस, यहाँ से कर दिया यस। तो देखिए अब जहाँ पे हमने बुक्स लिखा था वो किस में चेंज हो चुका है, हमारा कॉपीज में चेंज हो चुका है। ओके द नेक्स्ट वन इज, सो द करेक्ट आंसर इज फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑप्शन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन इट्स विड्थ। ये पेज है ठीक है, और ये पेज की हाइट है और ये उसके विड्थ है। तो जहाँ पे हमारी जो हाइट है वो कम रहती है उसकी विड्थ से, ये हाइट है और ये उसकी विड्थ है ठीक है। ये हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है जिसमें लेंथ जो साइड में आती है और विड्थ जो है वो ऊपर नीचे आती है। तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में तो हाइट बड़ी होती है और विड्थ उसकी यहाँ से छोटी होती है ठीक है। अब अगर हम इसे ऐसे अरेंज कर दें तो इस केस में अगर हम हाइट देखें तो वो हमारी छोटी हो गई और ये जो ऊपर है हमारी ये लेंथ है ठीक है। इसने कहा हाइट इज़ लेस देन द विड्थ, इस केस में हम इसको विड्थ मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, तो ये हमारी हाइट हो गई, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो इस केस में इफ़ द हाइट इज़ लेस देन इट विल बी द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। विच ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, दैट इज़ व्हाई द करेक्ट आंसर इज लैंडस्केप। सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द MCQs ऑफ चैप्टर 3 यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द NCERT बुक। I hope students you have understood the questions. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज टर्म वन एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर एंड इट वुड बी मच गुड इफ़ यू रिवाइज द टॉपिक्स ऑन द रेगुलर बेसिस। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड डे एंड थैंक यू। Number 14 is the default table size is 1 column 1 row, 2 columns 1 row, 2 columns 2 rows or 1 column 2 rows. तो by default जो हमारे table का size होता है student वो क्या होता है 1 column और 1 row, यानी कि 1 column और 1 row, it means हमारे पास 1 cell है ठीक है, तो वो table का हमारा size है by default. Next question is what is the shape of the mouse pointer when drawing a table? जब भी हम table को draw करते हैं तो हमारे mouse pointer की shape कैसी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ओपन ऑफिस राइटर में जब भी आप कोई टेबल लेते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन लेते हैं और इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं या माउस को होवर कर लेते हैं कि कितने आपको रोज और टेबल लेनी है, ये डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन जब आप माउस को ड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वो कैसे कैसे बन जाता है, वो ब्लैक कलर के प्लस साइन में चेंज हो जाता है ठीक है। वो होता है आपका ड्रॉइंग अ टेबल, और ये ऑप्शन हमारा आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं है। So that is why
इट विल बिकम लाइक इन द ब्लैक प्लस साइन. इसमें भी चेक कर लेते हैं, दिस इज माय लाइबर ऑफिस राइटर. इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट आ गया. एमएस जो आपका वर्ड होता है उसमें होता है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, तो जब आप उसे माउस के लेफ्ट बटन से मूव करके नीचे लाते हैं तो उसमें आपका वो ब्लैक प्लस साइन में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्लैक प्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग. अगर आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करनी है तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस इंसर्ट या टैब प्लस इंसर्ट. तो यहाँ देखिए आपका एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग. ओके, इट इज F7 इन द ओपन ऑफिस राइटर एंड यहाँ पे आपका है ऑटो स्पेल चेक. यू कैन सी हियर दिस ऑप्शन इज ऑटो स्पेल चेक. यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम लाइबर ऑफिस राइटर में जाएं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग और इसकी शॉर्टकट की दी गई है शिफ्ट प्लस F7. सो माय करेक्ट आंसर विल बी शिफ्ट प्लस F7. ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को चेक करता है. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए आपने कुछ भी स्पेलिंग लिखी, हमने क्लास की स्पेलिंग को ये लिख दिया. ठीक है, तो आप यहाँ से टूल्स पे जाएंगे, आपने ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पे क्लिक किया तो ये जो रेड लाइंस हैं ऑटोमेटिकली उसको चेक करके आपको दिखा रहा है. रेड लाइन थी वो हट चुकी है लाइक दिस. दोबारा से करेंगे तो वापस आ जाएगी. ठीक है, मान लीजिए वो ऑप्शन आपका क्लोज था तो वापस से आप जब शिफ्ट प्लस F7 की को प्रेस करेंगे, या सपोज हम इसको यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, शिफ्ट F7 हमने इसे ऑफ कर दिया. ठीक है, अब हम इसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं. अब हम अगर कोई भी वर्ड रॉन्ग लिखते हैं, जैसे मैंने लाइफ की स्पेलिंग को लिख दिया लाइट, तो ये आपको रेड लाइन बेबी लाइन से दिखा रहा है. इट मीन्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग जो है वो ऑप्शन जो है वो ऑन है. ठीक है, देन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल. टेबल को आप कौन सी शॉर्टकट की से इंसर्ट कर सकते हैं, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टकट की देखिए कौन सी होती है. ये हमारा टेबल का आइकन है, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की आ रही है कंट्रोल प्लस F12. एक ऑप्शन है हम स्टैंडर्ड टूल बार से कर लें और डायरेक्टली अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल और F12 शॉर्टकट की. तो जैसे ही हमने ये किया कीबोर्ड से, ये हमसे टेबल का नेम पूछेगा, कॉलम और रोज पूछेगा, आपको कितने लेने हैं आप स्पेसिफाई करेंगे और लास्ट में आप क्लिक कर देंगे ओके पे. तो यहाँ पे हम कर्सर को थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं और फिर हम टेबल को फॉर्म करके रखते हैं. यहाँ से हम गए, हमने किया कंट्रोल प्लस F12, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, टेबल का नाम आ गया, कॉलम्स ले लिए 4, रोज ले ली 2. तो यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स और 2 रोज का आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है, तो इधर शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस F12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज. मेल मर्ज जब आप करते हैं तो उसमें जो डेटा सोर्स क्या होता है, ऐसा टेबल जिसके अंदर लिस्ट होती है, हमारे पास एड्रेस होता है, नेम होता है, सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, तो वो किस तरह की फाइल नहीं हो सकती. आपने देखा होगा कि जब हमने मेल मर्ज का टॉपिक किया था तो उसमें जब भी हम एड्रेस लिस्ट को सेव कर रहे थे तो वो हमारी CSV फाइल की फॉर्म में आ रही थी. ठीक है, वो स्प्रेडशीट भी हो सकती है, एक टेबल MS Excel की भी हो सकती है, ओपन ऑफिस कैल्क की भी हो सकती है, या फिर वो एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है. लेकिन MySQL जो है वो एक मेल मर्ज का डेटा सोर्स नहीं हो सकता. MySQL इज द नेम ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इस तरह की हमारी फाइल्स नहीं हो सकती, दैट इज वाई दिस विल बी माई करेक्ट आंसर. ओके, आफ्टर दैट आई हैव क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इन राइटर इज. राइटर के अंदर किसी पेज की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसी होती है. जैसे कि अगर ये मेरा पेज है तो बाय डिफॉल्ट ये किस फॉर्म में है, ये हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म में है. इसे आप ओरिएंटेशन फॉर्म में भी देख सकते हैं. फॉर्मेट में गए, पेज में गए, पेज के अंदर आपके डिफरेंट टैब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर, पेज. अब पेज की यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, अगर आप इसे लैंडस्केप करेंगे तो पेज आपको इस तरह से दिखाएगा. ठीक है, तो हमारे पास दो ओरिएंटेशन होती है और बाय डिफॉल्ट होती है हमारी पोर्ट्रेट, जिसमें आपकी लेंथ साइड में होती है और आपकी विड्थ जो है वो टॉप और बॉटम में होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पेज फॉर्मेटिंग. इनमें से क्या चीज़ पेज फॉर्मेटिंग के अंडर नहीं आती. सेटिंग मार्जिन्स, फाइंड एंड रिप्लेस, सेटिंग हेडर एंड फुटर या पेज ओरिएंटेशन. तो आप देखेंगे मार्जिन्स भी पेज से रिलेटेड हैं, हेडर एंड फुटर भी पेज से रिलेटेड है, और पेज ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वो भी आपका पेज से ही रिलेटेड है. क्या नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस हम किस पे करते हैं, वर्ड्स या कैरेक्टर्स पे.
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये है फॉर्मेट मेन्यू, इसके अंदर अगर हम पेज के अंदर जाते हैं ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं इसमें कहीं पे भी किसी भी टैब में हमारा ऑप्शन इसका नहीं है विच वी हैव टिक मार्क एज द करेक्ट वन, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। ये हमारा एडिट मेन्यू में होता है करेक्टर के लिए। नेक्स्ट इज सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन। हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल सेव्ड है, हमने उसी फाइल को दोबारा से सेव किया सेव एज ऑप्शन से, बट अब किसी और नेम से, तो उससे क्या होगा? क्या हमारी जो करंट डॉक्यूमेंट हमने बनाई है वो रिप्लेस हो जाएगी नए नेम से, या फिर हमारी करंट डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी? तो जब आप सेव एज ऑप्शन को करते हैं तो आपने पहले जब फाइल को सेव किया था वो फाइल भी एज इट इज़ रहेगी और नई वाली फाइल भी एज इट इज़ रहेगी। सो द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लीव्स दैट करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। नेक्स्ट इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में चेंज करना, वो कौन से शॉर्टकट की का काम है? जैसे यहाँ पे हमने अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, अब मुझे ये इटैलिक्स में चाहिए, हमने इसे सेलेक्ट किया, तो हम या तो यहाँ से डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इटैलिक। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस आई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप H2O टू गेट टू एट इट्स प्रॉपर प्लेस। आपको यहाँ पे H2O टाइप करना है, आपके पास ऑप्शन है बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट्स H2O। अब ये टू मुझे H और O के बेस लाइन से नीचे चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, आपने जाना है कैरेक्टर के ऊपर क्योंकि ये चेंजेस कैरेक्टर के हैं, आपने जाना है पोजीशन में कि कैरेक्टर की पोजीशन क्या रहे, और इसको हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट, यानी कि हमें नीचे चाहिए। देखिए बेस लाइन से नीचे हो गया, क्लिक ऑन ओके, तो ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, और अगर बेस लाइन से ऊपर करना हो तो आपका ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। कौन से मेन्यू में है ये ऑप्शन? फॉर्मेट मेन्यू में जाके कैरेक्टर ऑप्शन। सो दिस वुड बी माई करेक्ट आंसर, दैट इज द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज द वर्ड बुक्स टू द वर्ड कॉपीज इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड है बुक्स, उसको हमें चेंज करना है कॉपीज वर्ड में, तो हम कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए ये वर्ड है बुक्स यहाँ पे, तो पहले हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करेंगे बुक्स और रिप्लेस करेंगे हम इसे कॉपीज से। हमने ये चीज़ कर दी, हमने कह दिया रिप्लेस, यहाँ से कर दिया यस। तो देखिए अब जहाँ पे हमने बुक्स लिखा था वो किस में चेंज हो चुका है? हमारा कॉपीज में चेंज हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, सो द करेक्ट आंसर इज फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑप्शन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन इट्स विड्थ। ये पेज है ठीक है, और ये पेज की हाइट है और ये उसकी विड्थ है। तो जहाँ पे हमारी जो हाइट है वो कम रहती है उसकी विड्थ से, ये हाइट है और ये उसकी विड्थ है ठीक है। ये हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है जिसमें लेंथ जो साइड में आती है और विड्थ जो है वो ऊपर नीचे आती है। तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में तो हाइट बड़ी होती है और विड्थ उसकी यहाँ से छोटी होती है ठीक है। अब अगर हम इसे ऐसे अरेंज कर दें तो इस केस में अगर हम हाइट देखें तो वो हमारी छोटी हो गई और ये जो ऊपर है हमारी ये लेंथ है ठीक है। इसने कहा हाइट इज़ लेस देन द विड्थ, इस केस में हम इसको विड्थ मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, तो ये हमारी हाइट हो गई, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो इस केस में इफ़ द हाइट इज़ लेस देन इट विल बी द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। विच ओरिएंटेशन? लैंडस्केप ओरिएंटेशन, दैट इज़ व्हाई द करेक्ट आंसर इज लैंडस्केप। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द MCQs ऑफ चैप्टर 3 यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द NCERT बुक। I hope students you have understood the questions. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज टर्म वन एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर एंड इट वुड बी मच गुड इफ़ यू रिवाइज द टॉपिक्स ऑन द रेगुलर बेसिस। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड डे एंड थैंक यू।